नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग इंडिया के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट को लेकर, जहाँ पे दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट और न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि 5 देशों के द्वारा मिलकर इस्टेब्लिश किया गया है और जिसमें दोस्तों इंडिया भी शामिल है, उनके बीच एक $500 मिलियन यानी कि 3,700 करोड़ का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है। दोस्तों ये लोन एग्रीमेंट दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट्स में रोलिंग स्टॉक, सिग्नलिंग सिस्टम, ट्रेन कंट्रोल एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम और स्टाफ्स के लिए रेजिडेंसीज का कंस्ट्रक्शन और इस तरह के सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए लिया गया है। दोस्तों इससे पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच एक $500 मिलियन का एग्रीमेंट हो चुका है। तो दोस्तों इससे ये माना जा सकता है कि अब दिल्ली मेरठ RRTS का काम और भी तेज़ी से किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है मेघालय स्टेट से, जहाँ पर दोस्तों मेघालय स्टेट में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को बेहतर करने और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को बूस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के बीच $120 मिलियन का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है। दोस्तों इस लोन की मदद से मेघालय स्टेट में रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज और हर तरह की ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाएगा। दोस्तों असल में सेंट्रल गवर्नमेंट मेघालय स्टेट को बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसी नेबरिंग कंट्री के साथ ट्रेड के लिए एक कनेक्टिंग हब के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया के डेवलपमेंट पर भी ध्यान दे रही है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को लेकर, जहाँ पे दोस्तों लार्सन एंड टोब्रो ने अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन के लिए एक और टेंडर जीत लिया है। बेसिकली दोस्तों ये टेंडर 87.56 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन के लिए फ्लोट किया गया था, जो अहमदाबाद के आउटस्कर्ट से वडोदरा के आउटस्कर्ट तक फैला था। दोस्तों इससे पहले भी लार्सन एंड टोब्रो ने अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के 47% हिस्से के कंस्ट्रक्शन का टेंडर जीता था। दोस्तों इस टेंडर में 87 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का कंस्ट्रक्शन, वियाडक्ट्स, रिवर ब्रिजेस, मेंटेनेंस डिपो के कंस्ट्रक्शन और एक रेलवे स्टेशन के कंस्ट्रक्शन का इसी तरह के सभी कार्य शामिल हैं। तो दोस्तों एक अच्छी बात है कि हमें लगातार कोई ना कोई अपडेट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर देखने को मिल ही जाती है और उम्मीद करते हैं कि NHRCL जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहाँ पर दोस्तों इंडियन रेलवेज ने नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के 19 रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटेड वेदर फोरकास्ट इक्विपमेंट इंस्टॉल कर दिए हैं। दोस्तों ये ऑटोमेटेड इक्विपमेंट्स विंड सेंसर बेस्ड इक्विपमेंट्स हैं, जो स्टेशन मास्टर को ऑटोमेटिकली वेदर फोरकास्ट से अपडेट करवाते रहेंगे, जिससे कि दोस्तों बारिश, तूफान जैसी समस्याओं में और एमरजेंसी सिचुएशंस के समय रेलवेज की एसेट को बचाने के लिए सही कदम उठाए जा सकेंगे। दोस्तों ये विंड सेंसर्स राजस्थान के अजमेर से गुजरात के बनासकांता तक 19 रेलवे स्टेशन पर लगाए गए हैं और दोस्तों इंडियन रेलवेज का कहना है कि इंडियन रेलवेज की एसेट को सुरक्षित करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है और इस तरह के स्टेप्स और सिस्टम आगे भी और रेलवे स्टेशन पर लगाए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की तरफ से, जहाँ पे दोस्तों रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने एक बेहद मॉडर्नाइज डबल डेकर रेल कोच को डिज़ाइन कर दिया है। और दोस्तों अच्छी बात तो ये है कि ये रेल कोच 160 किलोमीटर/घंटे की स्पीड से आसानी से चल सकता है। दोस्तों ये रेल कोच एक बेहद मॉडर्नाइज रेल कोच है, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 120 पैसेंजर्स की है और इसमें मॉडर्नाइज LED बोर्ड, GPS सिस्टम, ओवरहेड लगेज रैक, मॉडर्नाइज्ड लैपटॉप एंड मोबाइल चार्जिंग सॉकेट्स, CCTV कैमरास, फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम्स, इस तरह के सभी फीचर्स हैं। दोस्तों अभी इस रेल कोच को अप्रूवल के लिए RDSO यानी कि रिसर्च एंड डिज़ाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के पास भेजा जाएगा और फिर वहां से अप्रूवल मिलने पर हम ये रेल कोच को पटरियों पर दौड़ता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर दोस्तों देश में क्लीन फ्यूल की अवेलेबिलिटी को इनक्रीज़ करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट 1000 लिक्विफाइड नेचुरल गैस स्टेशन सेटअप करेगी और इस प्रोजेक्ट के लिए उनकी तरफ से 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। बेसिकली दोस्तों ये डिसीजन अल्टरनेटेड फ्यूल के यूज़ और कार्बन एमिशन को कम करने के लिए लिया गया है और दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है कि आने वाले 2 से 3 सालों में कम से कम 10% हैवी ड्यूटी व्हीकल्स को अल्टरनेटिव फ्यूल से LNG पर शिफ्ट किया जाए। दोस्तों वर्तमान में हमारा देश जितना भी क्रूड ऑयल कंज्यूम करता है उसका ज़्यादातर हिस्सा वो दूसरे देशों से इम्पोर्ट करता है, लेकिन दोस्तों हमारी गवर्नमेंट क्रूड ऑयल को सब्स्टिट्यूट करके LNG गैस का मार्केट शेयर और डिमांड दोनों को बढ़ाना चाहती है ताकि क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर निर्भरता को कम किया जा सके। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है चेन्नई से, जहाँ पे दोस्तों डैनफोस, जो कि एक डेनमार्क बेस्ड पावर सोल्यूशन और पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो दोस्तों इंडिया में उनके चेन्नई प्लांट में 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। दोस्तों डैनफोस के एक ऑफिशियल का कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट की PLI स्कीम के अनाउंसमेंट के बाद उनकी कंपनी के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है और दोस्तों उनका ये भी कहना है कि कोरोना पैंडेमिक के दौरान उनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स ज़्यादा होने के कारण
डैनफोस इंडिया का प्लांट ही एक ऐसा प्लांट था जिसने सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट ऑर्डर को कंप्लीट किया था, जिसके चलते उनकी कंपनी इंडिया में अपने ऑपरेशंस को और वाइड करना चाहती है। तो दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा बूस्ट है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, जहाँ पर दोस्तों येडा अथॉरिटी नोएडा के सेक्टर 28 और सेक्टर 29 में एक फर्नीचर पार्क को सेटअप करने जा रही है। दोस्तों, हाल ही में येडा ने यह अनाउंस किया था कि वो नोएडा में वुडवेयर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए जनवरी 2021 में एक स्कीम लॉन्च करने वाले हैं। और दोस्तों, जब से येडा ने यह स्कीम अनाउंसमेंट के बारे में कहा है, तब से 15 से ज़्यादा वुडवेयर फर्म्स नोएडा में अपना फर्नीचर प्लांट सेटअप करने के लिए रुचि दिखा चुकी हैं। दोस्तों, इससे पहले भी येडा ने टॉय इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कुछ स्कीम अनाउंस की थी। दोस्तों, येडा अथॉरिटी का कहना है कि उनके एरिया में लगातार वुडवेयर और हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर का एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है और इसे और बढ़ाने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी अपडेट है जो कि येडा अथॉरिटी की तरफ से निकल कर आ रही है। और दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।